हम एक लाइफ इम्प्रूवमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटा के अपने आप को बोर होने का कुछ मौका दें, क्योंकि बोरिंग मतलब किसी सरफेस में छेद करना होता है, और जब इंसानों की बात आए तो कुछ कुछ छेद काफी काम के होते हैं। Hey, I'm Yash. January 13, 1989. स्टेफेनिया फेरेनी को 30 फीट नीचे एक अंडरग्राउंड रूम में डाला गया 130 दिन के लिए। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे दिन और रात का कोई अंदाजा नहीं था। सर्केडियन रिदम्स पे हुए इस एक्सपेरिमेंट में स्टेफेनिया को 20x12 फुट के ग्लास रूम में डाला गया। एक गिटार, कुछ बुक्स और एक कंप्यूटर के अलावा किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। कुछ ही दिन बाद वो 20 से 25 घंटे लगातार जागने लगी और 10 घंटे तक सोने लगी, और एक पॉइंट पर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक गई। 130 दिन बाद उसने एक आइसोलेटेड केव में रहने का वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। इतने टाइम अकेले रहते रहते बोर होने की एक चरम सीमा पहुंच जाती है, अनलेस तुम्हारे फादर तुम्हें पैदा होते ही एक बंद कमरे में बंद ना कर। 1957 में जन्मी जिनी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। आर्केडिया कैलिफोर्निया में पैदा हुई जिनी एबनॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी का सबसे फेमस केस बनी। एडल्टहुड में हुए कुछ इवेंट्स के बाद उसके फादर को सोसाइटी और बाहरी दुनिया से बहुत नफरत होने लगी, तो उसने अपनी फैमिली को सोसाइटी से आइसोलेट करने की कोशिश की जितना वो कर सकता था। उसने जिनी को एक बिल्कुल बंद कमरे में कैद करके रखा उसकी लाइफ के शुरू के 13 सालों तक। उन 13 सालों के दौरान उसे कोई सॉलिड फूड नहीं दिया गया, उसे कभी किसी ने कोई बात नहीं की, उसे बुरी तरह मारा जाता था और कई बार उसे टॉयलेट चेयर पर बांध के छोड़ दिया जाता था। जब पुलिस ने उसे बचाया तब उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, वो बहुत मैलनरिश्ड थे और बहुत अनसोशलाइज थे, और उसकी मेंटल एज सिर्फ एक 18 महीने के बच्चे जितनी। जिनी अभी भी जिंदा है लेकिन उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस है। जब जिनी को कैद किया गया तो उसे पता नहीं था दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं। उसके लिए बस वो एक अंधेरा कमरा ही उसकी दुनिया थी, जहाँ उसे बांध कर रखा जाता, जहाँ एक आदमी आता और उसे बुरी तरह पीट कर चला जाता। तो उसके लिए ऐसा ही था कि वो अपनी माँ की कोख में ही है, बस वो कोख थोड़ी सी दर्दनाक हो गई है, थोड़ी खतरनाक हो गई है। तो यहाँ मिस होना हम डिफाइन नहीं कर सकते, बोर होना डिफाइन नहीं कर सकते। बोर करने के लिए बात करते हैं थॉमस सिल्वरस्टीन की। आर्म्ड रॉबरी के लिए उसे जेल में बंद किया गया, और जेल में 4 अलग अलग मर्डर करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक मानते हुए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा सुनाई गई, जहाँ उसे किसी भी तरह की ह्यूमन कॉन्टैक्ट की परमिशन नहीं थी। अपनी लाइफ के आखिरी 36 साल एक बंद कमरे में बिताने के बाद 6 महीने पहले मई 2019 में हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो गई। ऐसी कहानियाँ काफ़ी इंटेंस हैं और हमारे ओकेजनल बोर्डम से काफ़ी बढ़कर हैं। सिंपल डे टू डे बोर्डम से बचने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं, उनमें से एक है हॉबीज, शौक, ऐसे काम जिनमें हम मज़े ले पाएँ, जो हम मन से कर पाएँ। ऐसा ही एक शौक है मोइंग, मतलब गाय की कौन अच्छी से अच्छी आवाज़ निकाल सकता है, इसका एक कंपटीशन होता है। $1,000, एक काउ प्रिंटेड टी शर्ट और एक सोने की घंटी मिलती है। ये थोड़ा यूनिक कॉम्पिटिशन है लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो अगर जीत गए तो टीवी या न्यूज़ पे नहीं आ सकते। टीवी या न्यूज़ पे आने के लिए आपको पॉल यारो बनना पड़ेगा, जैसा वो करता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इस इंसान की हॉबी है न्यूज़ में आना, ये बस न्यूज़ रिपोर्टर के पीछे बैकग्राउंड में खड़ा हो जाता है और बाकी काम अपने आप हो जाता है। In depth, you mean vile policies of the BNP. This is just a knockabout show, and that is why we're opposed to this program in itself. Larry Morrissey, thank you very much for joining us. Back to you, John. Still to start on Monday. The case brought by BA were trivial.
in my opinion, irresponsible. It's caused us difficulty, it's caused confusion, but most surrounded it are as they were. There's still a deep division between those who were rioting and those in authority trying to stop them. Many self-appointed experts saying on one hand this is a criminal problem with a penal solution, others saying it's a complicated social problem with a social solution. Yet the people of Tottenham in the middle wondering. ऐसा ही एक और शानदार एक शानदार हॉबी के साथ है जिसका नाम जोनाथन ली रिचेज है। इसे जो कुछ भी दिखता है ये उस पर केस फाइल कर देता है। फिलाडेल्फिया यूएस में रहने वाला ये आदमी अभी तक 2600 लॉसूट फाइल कर चुका है। उनमें से कुछ फेमस एग्जांपल है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, स्टीव जॉब्स, प्लूटो वो नकली वाला प्लैनेट प्लूटो, आईफिल टावर, एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप, द रोमन एम्पायर। तो देखा जाए तो फेमस होना या न्यूज में आना कोई बड़ी बात नहीं है। पैराग्लाइडिंग करके भी लोग फेमस हो ही रहे हैं, चाय पी लो करके भी लोग फेमस हो रहे हैं। तो वो पागलपन होना चाहिए, इंटेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई कुछ किया है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पागलपन की ऐसी ही एक कहानी हमारे पास है। जुलाई 1518, स्ट्रासबर्ग फ्रांस, मिसेज ट्रोफिया गली में आके नाचने लगे बुरी तरह से, और ऐसा नाचे कि रुकी नहीं रही थी, नाचती जा रही थी। तो कुछ देर में थक गई, गिर गई, फिर खड़ी हुई, फिर नाचने लगी बुरी तरह से, लोग देखते जा रहे थे। ऐसा कई दिनों तक चला और एक सप्ताह के अंदर अंदर 30 लोग ऐसा ही करने लगे। आसपास के एरिया में काफ़ी डर का माहौल हो गया, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। ये डांसिंग प्लेग 2 महीने तक चला और लगभग 400 लोग इससे अफेक्टेड हुए और काफ़ी लोगों की मौत हुई। इसका रीज़न पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि डेमोनिक पोजेशन और ओवरहीटेड ब्लड इसका रीज़न हो सकता है। हमारी हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी हुई है जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक हॉबी होना, एक शौक होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे नशा ना बनने दें। नशा मतलब दारू, ड्रग्स, गांजा, जुआ, शॉपिंग, सेक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।